सर्बिया के घने जंगलों में इंटरनेशनल माफिया का राज है। हर तरफ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि आज यहाँ उस खास हथियार का सौदा होना है जिससे पूरी धरती कांप उठेगी। और ये सौदा यूरोपोल की पुलिस के चीफ और रशियन माफिया निकोलस डियो के बीच होने जा रहा है। निकोलस डियो आ रहा है। सर, आवाज की पहचान, निकोलस डियोर। फिंगरप्रिंट सर, रेटिनल स्कैन सर, एंट्री कोड ब्लैकबर्न। मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। पैसों का इंतजाम हो गया है? तुम वो हथियार लेके आए हो कि नहीं? हाँ बिल्कुल, ये रही। पैसे लाए कि नहीं? इस वक्त पैसा इंटरनेशनल बैंक्स के 12 अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर हो रहा है। ड्राइव अनलॉक हो रही है। इस चीज की कीमत 15,000 करोड़ यूरो है। तुम्हें ये कहां से मिले? इसको बिकवाने वाला खुद बहुत बड़ा सीक्रेट एजेंट है। 7 कॉन्टिनेंट्स, 196 कंट्रीज, 120 सरकारें और 18 आर्मीज इस छोटे से वेपन को खोज रही हैं। एक बार ये पैसे मेरे और उसके अकाउंट में आ जाएं, फिर ये ड्राइव तुम्हारी। ये पैसे तुम तब तक नहीं निकाल पाओगे जब तक इसका कोड मुझे नहीं दोगे। वो कोड भी तुम्हें वो सीक्रेट एजेंट ही देगा। सिक्योरिटी को टाइट करो। आखिर ये कौन सा वेपन है जो देखने में इतना छोटा है फिर भी इतना कीमती है, जिसको बचाने के लिए इस इलाके को 3 सिक्योरिटी जोन में बांट दिया है। पहले घेरे में प्राइवेट सिक्योरिटी है और दूसरे घेरे में रूस की ब्लैक हॉक प्राइवेट आर्मी है, जिसकी नजरों से इन दर्रों से लेकर दरख्तों की ऊंचाइयों तक कोई नहीं बच सकता। और फिर है तीसरा घेरा। इसमें एक खूंखार आतंकवादी संगठन के गोरिल्ला है। ये है AK, काउंटर टेररिस्ट टीम के एक खास मेंबर। 9 मिनट में खेल खत्म। ब्लैकहॉक टीम लीडर, कवर द एरिया। ठीक है सर। पैसा ट्रांसफर हो गया। थर्मल इमेजिंग सेंसर क्लीन। हथियार तुम्हारा और पैसा तुम्हारा। हे, तुम यहां अंदर कैसे आए? तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? मैं सुब्रमण्यम स्वामी हूँ, यूरोपोल का चीफ। मैं हूँ निकोलस डियोर, रशियन माफिया का किंग। थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन, क्योंकि मैं किसी गलत आदमी को नहीं मारता। ऑल एजेंट अलर्ट। मैडम हेल जाओ। ईस्ट साइड पूरे इलाके को खेल लो। ठीक है सर। कोई बच के निकल ना पाए। दुश्मन घुसपैठ कर चुका है। गोली की आवाज अंदर से ही आई थी। उस तरफ देखो, कोना कोना छान मारो। चलो चलो गोली, उस तरफ गए। चलो चलो चलो, कहीं कहीं होगा। उठो से वहां कहीं छिपा है। उस पर क्या तुझे लगा? अच्छा उधर भी देखो, चारों तरफ ढूंढो उसे। शूट। कौन है ये जो ना तो डरता है गोलियों से और ना ही डरता है आग से? सिक्योरिटी, पूरे इलाके को घेर लो। ठीक है सर। Who are you? कौन हो तुम? मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं? मैं कौन हूँ इसका फैसला मैं नहीं करता, जो मेरे सामने खड़ा होता है वो करता है। या तो मैं उसका दुश्मन हूँ या फिर दोस्त। बस 4 मिनट और। वो यही कहीं होगा।
छोड़ना मत। पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, हालात मुश्किल हो जाए और चीख चीख कर तुमसे कहे कि तुम बुरी तरह हार चुके हो, मगर जब तक तुम्हें अपने आप पर भरोसा है तब तक कोई भी कहीं भी और कभी भी तुम्हें हरा नहीं सकता। Never ever give up! Charge! काउंटर टेररिस्ट स्क्वाड यूएन की एक ऐसी बॉडी जो एफबीआई, सीआईए और इंटरपोल से भी ज्यादा ताकतवर है। उन्हें किसी को भी मारने का हक है। रिपोर्ट सर, खबर मिली है सर्बिया के जंगलों में प्राइवेट आर्मी और किसी अनजान व्यक्ति के बीच भारी लड़ाई हुई है। उस अटैक में यूरोपोल चीफ सुब्रमण्यम की मौत हो गई है, लेकिन वो वहाँ क्यों गया था ये पता नहीं चला है। सैटेलाइट और वेपन कैमरा के फुटेज से हम सारे क्रिमिनल डेटाबेस में उस किलर के चेहरे की शिनाख्त करने की कोशिश कर रहे हैं सर। सर, ड्रग माफिया रिकॉर्ड्स में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्शन का कोई रिकॉर्ड नहीं है सर। नो मैच इन CIA, FBI एंड यूरोपोल क्रिमिनल फाइल्स। सारे फुटेजेस रिवाइंड करो। फुटेज रिवाइंड करो। उसका फाइटिंग स्टाइल देखो, चीते की तरह दौड़ता है। कमाल का मिलिट्री सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। तुम लोग गलत डेटाबेस चेक कर रहे हो। ये कोई क्रिमिनल नहीं है, ये हम में से ही कोई एक है। A well trained military person. हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो कोई भी इसके एज ग्रुप का है उन टॉप एजेंट्स को ये विजुअल्स भेजो। If I'm right, जिसने भी इसके साथ ट्रेनिंग ली होगी वो जरूर इसे पहचान लेगा। टीम, विदेश में अपनी खोज को छोड़कर यहीं से खोजना शुरू करते हैं। CTS के 2400 सैनिकों की डिटेल्स यहाँ है, उन सबको इन विजुअल्स से मैच करो, उनकी एक लिस्ट बनाओ और नजर रखो। ये खबर काउंटर टेररिस्ट स्क्वाड की एक खास टीम को भी मिली। ये है माइक, AK। उस खास दस्ते की दूसरी मेंबर है रेचल, जिसकी तलवार में बिजली है। AK। इसका तीसरा मेंबर है शॉन, जिसका निशाना अचूक है। AK जिंदा है। और इसका चौथा मेंबर है आर्यन सिंह, जिसका दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज चलता है। AK। काउंटर टेररिस्ट स्क्वाड की इंफॉर्मेशन के मुताबिक AK किसी मिशन के तहत मारा जा चुका था, लेकिन अचानक उसके जिंदा होने की खबर ने पूरे CTS को सकते में डाल दिया है। इन्हें यकीन है कि इस अटैक में AK का हाथ है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि उसने सुब्रमण्यम को वहाँ ढूंढकर क्यों मारा और इतनी बड़ी आर्मी किसको बचाने के लिए थी। इसीलिए AK के बाकी साथियों को यहाँ पूछताछ के लिए बुलाया गया है। हमें किसी भी कीमत पर उस AK को 24 घंटे के अंदर ढूंढ निकालना होगा। कम ऑन, हरी अप। दैट्स इम्पॉसिबल।
बंदूक से निकली हुई गोली को पकड़ सकते हैं लेकिन उसे नहीं। आर्यन चीफ स्ट्रेटेजिस्ट। सर माय टीम सर। सर 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 भरत सर। दिस इज वेक्टर इन्फिनिटी। अगर दुनिया में किसी इंसान को ढूंढना हो तो इससे बेहतर बुक कोई नहीं है। हमारी टीम इसी बुक को फॉलो करती है। इसका 12th पेज पढ़ने से पहले ही हम अपने टारगेट तक पहुंच जाते हैं। 12th पेज तक जाने की जरूरत नहीं है, बस दूसरा पेज खोलो वो मिल जाएगा। ये बुक लिखने वाला वही इंसान है जिसे आप बेसब्री से ढूंढ रहे हैं। AK, फील्ड कमांडर अजय कुमार, ग्रेड 1 फाइटर, 2 AD missions, 279 on target, expert in speechless interrogation, level A in advanced combat, the best killer on earth, the most credible hitman of the counter-terrorist squad, जिसका पता कोई नहीं लगा सकता वो उसे ढूंढ निकालता है, जिसे कोई नहीं मार सकता वो उसे ढूंढ कर मारता है। अगर वो आपके सामने ना आना चाहे तो उसके करीब जाना भूल ही जाओ। 6 महीने पहले हुए एक मिशन के दौरान हमें लगा AK मारा गया, लेकिन जब उसकी मौत की खबर सुनी तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो मेरा चांद से प्यारा दोस्त था। मगर उसने जो गद्दारी की है वो मेरी दोस्ती पर धब्बा है, अब वो नहीं बचेगा। ये मेरा वादा है सर, उसे ढूंढने की जिम्मेदारी हमें दीजिए सर। आर्यन, मैं तुम्हारी सिंसियरिटी, एक्सपीरियंस और टैलेंट से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूं। AK को पकड़ने के लिए तुमसे अच्छा कोई नहीं हो सकता, मगर तुम्हारी और AK की बहुत पुरानी दोस्ती है। विल दैट बी अ प्रॉब्लम? नेवर सर। यूरोपोल के चीफ के मर्डर के जुर्म में मैं उसे ढूंढ निकालूंगा सर, ट्रस्ट मी।